नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, अपने क्लिनिक का एक केस बताने जा रहा हूँ। लगभग 1 से 1.5 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था। शाम का समय था, शाम के टाइम पे मैं बैठा था क्लिनिक पे, तो मेरे पास एक पेशेंट आए और बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द था, पाइल्स का, बवासीर का बहुत ज़्यादा दर्द था। इवन इतना दर्द था, मुझे उनका चेहरा याद है, आँख से आंसू आ रहे थे और बिल्कुल चेहरा जो बोलते शिंकन, बिल्कुल दर्द से तड़प रहे थे वो। और उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन भी उस समय तुरंत लेके आ रहे थे और साथ में कुछ क्रीम वगैरह, जैसे आदमी नहीं हर काम पहले दर्द होता है ना तो हर चीज़ यूज़ कर लेता है, तो हर चीज़ यूज़ करने के बाद वो मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा दर्द है और आँख से बिल्कुल आंसू जैसा आ रहा था, और बोले मुझे दवा आप कोई भी दे दीजिए जिससे तुरंत आराम लग जाए। मुझे उस समय एक दवा याद आई और आज हम उसी दवा के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे कि अगर आपको पाइल्स में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिशर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन है, या फिशुला की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो फिर आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन और किस पोटेंसी में मेडिसिन और कैसे मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, जहाँ पर मैं आपके आंसर्स देता हूँ, वहाँ पर मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता हूँ, ना ही मैं किसी को व्हाट्सएप करता हूँ खुद से, और ना ही मैं किसी को ये बोलता हूँ कि यहाँ से मेडिसिन मिल जाएगी, मेरे यहाँ से आप मेडिसिन ले लीजिए, तो ना मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ और ना ही मैं किसी को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, मेरा कोई सिस्टम है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई फेक अकाउंट से आपको मैसेज सेक्शन में या कहीं पर भी बोले कि डॉक्टर विक्रम यहाँ पर मिलेंगे, आपको दवा मिल जाएगी, आपको बात हो जाएगी, मैं नहीं हूँ। चलिए, आप मुझे ईमेल ही कर सकते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और आज का टॉपिक मुझे हमेशा याद रहता है, हमेशा वो केस याद रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको केस के बारे में, वो पेशेंट मेरे पास आके बैठ गए और उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही दवा याद आई, और उस दवा का नाम है एसिड नाइट्रिकम या नाइट्रिक एसिड। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, अगर पाइल्स और फिशर का दर्द हो, बिल्कुल दर्द चुभने जैसा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फाड़ दिया हो, ऐसा दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन। जब व्यक्ति शौच करने जाता है और जब वो मल त्यागता है, उसके बाद उसे दर्द इतना ज़्यादा होता है, और वो दर्द 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक रहता है। इवन इतना ज़्यादा दर्द होता है कि अगली बार वो मल त्यागने से डरता है, मतलब जब भी मोशन लगेगा तो फिर उसे डर लगेगा और वो उससे रोकने की कोशिश करता है। इस कारण से उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है और इस कारण से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ऐसा करते करते 2-3 दिन हो जाए और दर्द बिल्कुल भी आराम ना लगे, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये दवा पाइल्स को धीरे धीरे हील कर देती है, ठीक कर देती है, और दर्द के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो एसिड नाइट्रिक 30, अगर आपको पाइल्स और फिशर, मतलब बवासीर और फिशर की समस्या हो और दर्द बहुत ज़्यादा हो, अनबियरेबल पेन हो, एसिड नाइट्रिक आप यूज़ करें 1 mg पोटेंसी में। एसिड नाइट्रिक 1 mg पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद हर 1-1 घंटे में पीजिए। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये थोड़ी हायर पोटेंसी बता रहा हूँ, लेकिन इसी पोटेंसी में आपको आराम लगेगा, और हर 1-1 घंटे में आपको लेना है, आधे आधे घंटे में भी आप ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सालों से अपने पेशेंट को बहुत अनब्यूरेबल पेन में एसिड नाइट्रिक देता आ रहा हूँ, और रिजल्ट्स 1 mg पोटेंसी के बिल्कुल औसम है, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। तो एसिड नाइट्रिक 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद 15 मिनट में एक बार या 1 घंटे में एक बार, 3-4 बार लेने से आपको आराम लग जाएगा। आराम लग जाए तो फिर आप इसे दिन में 3 बार लीजिए 5 दिन तक, और फिर दिन में 1 बार लीजिए
10 दिन तक, और फिर उसके बाद सप्ताह में 3 बार लीजिए, 3 महीने तक आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और उन पेशेंट को तुरंत आराम लगा था, जैसे वो मेरे पास बैठे थे। मुझे स्वाभाविक बात है कि ऐसे नाइट्रिक ही याद आई, और मैंने सोचा कि ठेठी दूँ, पता नहीं आराम लगेगा कि नहीं लगेगा। टू एंड उनका चेहरा देख के मुझे एक लग रहा था कि यार इनको तो तुरंत आराम लगना चाहिए, तो मैंने सीधा 1 एम पोटेंसी उठाई और दे दी, और 2 बूंद दिए, और विद इन 15 मिनट्स वो मेरे क्लिनिक में बैठे रह गए। एक दो बार मैंने उन्हें ये दवा दी और उन्हें तुरंत आराम लग गया, उनको अच्छा लगा। फिर वही दवा मैंने एक लिक्विड फॉर्म में, एक डिब्बी में बना के दे दी, और हाफ ओंस दी थी लगभग, तो हाफ ओंस मैंने दी, दो दो बूंद हर एक एक घंटे में लेने को बोला। 2 दिन बाद वो मेरे पास आए, दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था, प्रॉब्लम में काफ़ी आराम लग गया था, ब्लीडिंग हल्की हो रही थी उस समय उनकी, तो मैंने ब्लीडिंग के लिए मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो एस्कुलस मदर टिंचर, हेमामेलिस मदर टिंचर और पियोनिया मदर टिंचर वाला, तो तीनों को मिला के 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार मैंने उन्हें दिया, और साथ में एसिड नाइट्रिक 1 एम पोटेंसी में तो चली रही थी, तो दिन में 3 बार। फिर वो 6-7 दिन बाद मेरे पास आया, तब तक बिल्कुल ठीक हो चुके थे, और फिर एसिड नाइट्रिक 1 एम पोटेंसी में दिन में 1 बार, और ये कॉम्बिनेशन दिन में 3 बार, ऐसा करके मैंने उन्हें 1-2 महीने दिया होगा, इससे कम भी दिया होगा, मुझे उसके बाद याद नहीं है, याददाश्त के बाहर हो चुका है चीज़, कि वो ठीक हो गए थे और फिर वापस उस प्रॉब्लम को लेकर वो मेरे पास नहीं आए। हालांकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम अमूमन रहती है। तो आपको मैं ये समझा रहा था कि कभी भी बहुत ज़्यादा पाइल्स का दर्द हो, बवासीर का दर्द हो, याद रखें एक ही दवा है, एसिड नाइट्रिक, जिससे आपको तुरंत आराम लगेगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल, होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।